राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे अमिला बाबा थानीदा स्थित यूनियन बैंक के बाउंड्री में रविवार की देर रात सेंध मारकर बैंक से सटे एटीएम मशीन को तोड़कर 5,50,000 रुपए लुटेरे ले भागे। जानकारी सोमवार को बैंक खुलने पर बैंक कर्मी के पहुंचने पर मिली। मौके पर सीओ घोसी व कोतवाल पहुंचे। शनिवार को देर शाम बैंक बंद होने के उपरांत सोमवार को बैंक के समय पर बैंक का गेट खोलकर अंदर घुसते ही एटीएम मशीन रूम का सटरा उठा व एटीएम मशीन बाहर टूटी हुई हालत में देखकर बैंक कर्मी के होश उड़ गए। पश्चात शाखा प्रबंधक संजय कुमार सिंह को सूचित किया गया। शाखा प्रबंधक ने पुलिस व बैंक के उच्च अधिकारियों को एटीएम तोड़कर 5,50,000 लूटने की खबर दी। लुटेरे बैंक के पीछे बाउंड्री में लगभग 2 फुट चौड़ा व 2 फुट लंबा दीवार काटकर अंदर आ गए थे। पश्चात बड़े ही इत्मीनान से एटीएम के शटर का ताला तोड़ा गया। पूरी मशीन एटीएम रूम के बाहर करके लॉकर तोड़कर सारा पुर्जा बाहर कर दिया गया। उसमें रखा कैश बॉक्स बैंक के पीछे बाउंड्री में कैश खाली कर डब्बा छोड़ दिया गया। शाखा प्रबंधक ने बताया कि एटीएम में 500 का कुल नोट 5,50,000 था। मौके पर बैंक कर्मी के साथ कोतवाल घोसी परमानंद मिश्र, सीओ घोसी अनिल कुमार, प्रभारी चौकी अमिला ज्ञान प्रकाश तिवारी मौजूद थे।